लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। सालों से नाले में पड़ी हुई थी ये चीज, जब नजर आई तो उड़ गए सब के होश। ऊपर दिए गए पीले बटन को दबाकर हमें फूल हो जरूर कर ले। इजिप्ट का इतिहास तो हमेशा लोगों के बीच जिज्ञासा का विषय बना रहा है। हाल ही में इजिप्ट की राजधानी कैरो में खोजकर्ता के हाथ नालों से निकली एक ऐसी चीज लगी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान हैरान कर दिया। शहरों में मैटेरिया नामक बस्ती के तरफ कुछ खोजकर्ता काफी इंटरेस्ट दिखा रहे थे। इन लोगों को पूरी उम्मीद थी कि इस इलाके में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा राज छुपाया गया है जिसके मिलने पर पूरी दुनिया में हड़कंप मच सकता है। पिछले 4 सालों से यह लोग इस जगह पर खुदाई कर रहे थे। जर्मनी और इजिप्ट के कुछ खोजकर्ता जी जान से इस इलाके में छानबीन कर रहे थे। थोड़े दिनों बाद इन्हें नालों से कुछ ऐसा मिला जिसका इनको इतने सालों से इंतजार था। यह बेशकीमती चीज पिछले 3000 सालों से इस बस्ती के नाले के नीचे दफन थी। 4 साल की खुदाई के दौरान टीम को इस जगह से कई चीजें मिली थी। इस नाले से उन्हें 30 फीट बड़ी मूर्ति मिली। आज तक के इतिहास में यह हाथ लगने वाली सबसे बड़ी खोज थी। हालांकि इन्हें अभी तक कोई बड़ी चीज नहीं मिली थी जिसकी वजह से यह हिम्मत खोते जा रहे थे, लेकिन तभी उनको नाले की खुदाई के दौरान कुछ ऐसा दिखा जिनकी वजह से उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल कई सालों पहले रोमन साम्राज्य ने इस जगह पर कब्जा जमाया तो उन्होंने कई सारी इमारतों को ध्वस्त कर ऊपर नए निर्माण किए। इसमें राजा रामसेय द्वितीय की भी विशाल मूर्ति को भी ध्वस्त कर दिया गया था। वहीं विशाल मूर्ति इतने सालों तक इस नाले में दफन थी। आपको बता दें कि इजिप्ट का इतिहास कई महान राजाओं के वजह से चर्चित में रहा है।